Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter, Theory of Demand. In this, we will study desire and demand, concept of demand, demand and quantity demanded, demand function, factors affecting individual and market demand, law of demand, demand schedule and curve, movement and shifting of the demand curve, why demand curve slopes downward, types of demand. So these are some topics we will cover in this PPT. अब सबसे पहले why prices fluctuate from years to years. Prices बढ़ते हैं, कम होते रहते हैं, कभी तो ये बढ़ रहे हैं, sometimes price rises, sometimes price falls, कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं. क्यों ऐसा हो रहा है? इसके लिए जो इकोनॉमिस्ट ने मॉडल यूज़ किया है वो डिमांड और सप्लाई का किया है, कि यह डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है कि प्राइसेस कैसे रहें, कि कभी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइसेस राइज हो जाएंगे, डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे. तो हाउ द इंट्रैक्शन बिटवीन कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. सम बेसिक क्वेश्चंस, व्हाई डू रोजेस कॉस्ट मोर ऑन वैलेंटाइंस डे देन ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर. पूरे साल तो रोज इतने महंगे होते नहीं, लेकिन वैलेंटाइन डे पे बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं. क्यों? डिमांड ज़्यादा और रोजेस कम है. व्हाई डज द डिमांड फॉर द कार्स फॉल व्हेन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल राइजेस. जब पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो कार के जो डिमांड है वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि आपस में लिंक्ड हैं ये दोनों चीज़ें. पेट्रोल महंगा है तो पेट्रोल कार को ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे. व्हाई डू द डिमांड फॉर जूसेस इंक्रीजेस. जूस की डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब कोल्ड ड्रिंक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कोक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? अब इन सब चीज़ों के आंसर समझने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर को समझना पड़ेगा. तो अब हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे. नीड क्या होता है, वॉन्ट डिज़ायर एंड डिमांड. नीड क्या है? नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जो हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे. फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. हमारी डिज़ायर्स क्या है, वॉन्ट क्या है? बर्गर खा रहे हैं, आइसक्रीम खानी है, पिज़्ज़ा खाना, दाल रोटी से भी काम चल जाएगा, लेकिन ये हमारी डिज़ायर्स हैं, हमारी वॉन्ट्स हैं, कि हमें क्या क्या वॉन्ट्स हैं हमारी. ठीक है, कि हमें ये चाहिए ये चाहिए. वॉन्ट्स एंड डिज़ायर आर समथिंग द सेम थिंग, राइट? कि क्या हम विश कर रहे हैं, हमें लग्जरी कार मिले, अब्रॉड में हॉलीडे लेके जाएं, वी आर विशिंग फॉर इट, दिस आर डिज़ायर्स. नाउ व्हाट इज़ डिमांड? नाउ इफ़ वी कंपेयर द डिज़ायर विद अवर डिमांड, लेट अस सी सम एग्जांपल्स. मिस्टर एक्स वॉन्ट्स टू बाय अ कार बट हैव नो मनी. ही वॉन्टेड टू हैव अ कार बट ही हैज़ नो मनी. दैट मीन्स ही इज़ विलिंग बट नॉट एबल टू बाय. तो इट इज़ नॉट अ डिमांड. नंबर बी, मिस्टर वाई हैव मनी. ही इज़ हैविंग मनी बट ही डजन वॉन्ट टू बाय अ कार. उसे नहीं चाहिए कोई कार. एबल बट नॉट विलिंग, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ डिमांड. नाउ मिस्टर जेड, मिस्टर जी इज विलिंग टू बाय अ कार. ही वॉन्टेड टू बाय अ कार एंड ही इज हैविंग मनी ऑल्सो टू बाय द कार. ही इज़ एबल एंड विलिंग, दैट मीन्स इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू डिमांड. इसको हम डिमांड कह सकते हैं, राइट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. Now, the difference between the demand and desire is, demand is the desire backed by the ability and willingness to pay. That a person is willing also and he is having the ability also to pay. And desire, he is only willing to buy something, to get something, but he is not having the ability to buy that thing. But that means he is not having the money to buy that thing. So it cannot be converted into demand. So demand is the quantity of a commodity that consumers is willing and able to buy at a particular price during a given period of time. These two things are very important. Quantity of a commodity, willing and able to buy particular price during a given period of time. ये लाइने अ पर्टिकुलर प्राइस नहीं मिस होना चाहिए, गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम. ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू राइट इट. इफ़ यू मिस एनी पॉइंट फ्रॉम दिस इट विल बी इनकम्प्लीट डेफिनेशन. So demand means effective demand backed by willingness to pay, time period, that means during a given period of time. अभी हम लोग want कर रहे हैं, अभी हमारे पास पैसे हैं, अभी हम लोग willingness to pay है, तो demand है. अभी हमारी willingness नहीं है, हम कुछ साल बाद खरीद रहे हैं, तो वो demand में इतना ही मानी जाएगी अभी. तो अभी हमारे पास पैसा है, demand भी willingness भी है, तो वो हो जाएगा. तो time period के according हम लोग इसको देखते हैं. Then you can say demand of coke has been increased. अब coke की demand बढ़ गई, क्या क्या reason हो सकते हैं इसके पीछे? एक, coke सस्ती हो गई इसलिए coke की demand बढ़ गई, possible. अगला possible reason क्या है? coke का जो substitute good है पेप्सी, पेप्सी महंगी हो गई
कोक के प्राइसेस पे, पहला कोक के खुद के प्राइसेस सस्ते हो गए तो उसकी डिमांड बड़ी हो सकता है, दूसरा कोक के प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लेकिन पेप्सी महंगी हो गई। अब क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव गुड है, सब्स्टिट्यूट गुड है, वो महंगा हो गया तो लोग अपनी डिमांड शिफ्ट करके कोको कोला पे आ गए। तीसरा, लोगों की इनकम बढ़ गई, भाई लोगों की जेब में पैसा बढ़ गया, पी रहे हैं कोक, ठीक है। चौथा, समर सीजन चल रहा है भाई, समर सीजन में क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ेगी, कोक की डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट पांचवा, हो सकता है लोगों के दिमाग में आगे कोक बहुत महंगी होने वाली है, अभी खरीद लो, आगे बहुत महंगी होने वाली है, अभी पूरी क्रेट खरीद के रख लो, पॉसिबल। देन नेक्स्ट इज पॉपुलेशन बढ़ गई, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो डिमांड है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लास्ट इज इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल हो रहा है, जिसको जितनी इनकम मिलनी चाहिए उतनी इनकम उसे मिल रही है। नाउ व्हेन पीपल आर गेटिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू देयर पॉपुलेशन, देयर डिमांड विल डेफिनेटली इंक्रीज। सो डिमांड फंक्शन, व्हाट इज डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स मतलब वो चीज़ें जो डिमांड को अफेक्ट करती हूँ। अब डिमांड के साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। हम एक इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या है, और मार्केट लेवल पे भी हम लोग चेक करते हैं डिमांड फंक्शन क्या है। नाउ लेट अस सी द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। नाउ वी सी द रिलेशन बिटवीन एन इंडिविजुअल डिमांड एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स। वी विल स्टडी द वेरियस डिटर्मिनेंट्स हियर। क्या क्या है वेरियस डिटर्मिनेंट्स, वी कैन, दिस इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ द ऑल दीज थिंग्स विद डिमांड। नाउ हियर dx इज द डिमांड ऑफ द गुड, Px is the price of the good, that particular good which we are going to buy. Pr is the price of related good, उससे जो जुड़ा हुआ good है, either it is a substitute good or complementary good, इसे हम आगे पढ़ेंगे और depth में. Y is the income of the consumer, T is taste and preferences of the consumer, E is expectations of the consumer, future expectations. This is individual one. When we talk about the market demand function, it is same. But here we only take the market demand. Whichever we have studied, all the determinants will come under the market demand as well, because all the individuals are the part of the market. But only two determinants are added to it. These all were individual one. Now these individual plus these two will become the market demand. Next is income distribution. Okay, distribution of income should be equal or up, or if they are not equal, then what will happen to the demand? And the next is population, N. N means number of consumers or population size. One more you can get in the books, S. S means season and climate. This can also be the determinant of the market demand function. S means season and climate. So you have to remember this equation. Dx is equal to functional relationship. Px means price of own good. PR, price of related goods. Y is income. T is taste and preferences. E is expectation. YD, income distribution. N is population. And S is season and climate. So, let us study further about the price of own good and the demand of own good. What is law of demand? Law hai. Isko follow karna hi karna hai. What is law of demand? Is other things remaining constant. इस पूरी लाइन को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, सेटरिस पेरिबस। इफ़ यू गेट समवेयर रिटन सेटरिस पेरिबस, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड यार ये क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स अदर थिंग्स आर सेम, दे विल नॉट चेंज। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, द डिमांड ऑफ इट विल राइज एंड वाइस वर्सा। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी इंक्रीजेज, डेफिनेटली द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी विल डिक्रीज, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। वहीं प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वाइस वर्सा हो गया। और सिर्फ अब हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। लाइक इफ वी आर गोइंग टू बाय अ कोक, तो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द प्राइसेस ऑफ द कोक ओनली, नॉट अदर प्रोडक्ट्स, नॉट एनी अदर थिंग। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलेटेड गुड्स, नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम, नॉट टॉकिंग अबाउट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, वट एवर अदर आइटम्स वी हैव स्टडीड, अदर डिटर्मिनेंट्स वी हैव स्टडीड अदर देन प्राइस। सो हियर वी थिंक द अदर थिंग्स आर कॉन्स्टेंट। So here is inverse relationship between price and demand. Inverse means negative. Other things are constant. Now what are the other things? Price of related goods are constant. Income of consumer are constant. Taste and preferences have not changed. Expectations of consumer regarding future price is not changed. Income distribution is not changed. Jo bhi tha pehle waise ka waise. And size of population is also same. Now negative relation means when price rises, demand falls. आप देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस।
So this is the negative relation between the price and the demand, quantity demanded. Now let us study this by a curve. Price have been taken on the y-axis and quantity has been taken on the x-axis. Now if we buy at 6 rupees, we buy 80 units, right? Now if price rises to rupees 8, what will happen? We will buy 60 units. That means demand is decreasing because price is increasing. Price is rising from rupees 6 to rupees 8 and demand is decreasing from 80 units to 60 units. Now if we say, if prices are decreasing, that means prices are decreasing to rupees 4. Price kam honge, what will happen? Demand will increase to 100, 80 se 100 ho gai. So these are the points which shows that demand either increases or decreases. But when we are talking about a single demand curve, movement along a demand curve, so it means extension and contraction. When demand is moving back, that means from 80 to 60, when demand is decreasing, we say that it is contraction of demand due to the rise in own prices. And when demand is increasing, that means extension of demand due to fall in its own prices. This is law of demand. So we can see it by a schedule, by a table, tabular statement. Prices are increasing from 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. We can see that at 10 rupees, we would buy a quantity of 8 units. When prices increases to rupees 20, we reduce the quantity to 6. Prices increase to 30, we reduce the quantity to 4. Prices increase to 40, reduce the quantity to 2. That means prices are increasing and quantity is decreasing. So here we'll study the diagrammatic representation also. This is what diagrammatic representation of demand curve is. This is the demand curve, downward sloping demand curve. Ye niche ki taraf hi aa rahi hai. That means when it was 10 rupees, we would have bought 8 units. Prices increased 20, we are buying 6 units. Then prices are increasing to 30, we are buying 4 units. Then prices increases to 40, we are buying 2 units. Prices are increasing, demand is decreasing. Now we can see that here the same thing with each other, demand schedule and demand curve on the same slide. Demand is decreasing and prices are increasing. When prices are increasing, demand always decreases, right? You can see this. Pehle hum kaun se point pe the? 8. 8 means we are talking about this point. And last mein 2, that means we are talking about this point. So that means hamari demand is direction mein chal rahi. A, B, C, D. Ye jo movement hai, hume upward movement to dikh raha hai. Upward movement means we have to look it from this side as well. Ki wo standing at this point and now we are at this point. That means demand is decreasing. Because students get confused, upward movement is demand is increasing. No. When there is upward movement, demand is not increasing, demand is decreasing. Now here are some exceptions to the law of demand where this law does not follow. Law to humne bana diya, abhi prices are increasing, demand is decreasing. But kuch aisi cheeze hain jahan pe ye cheez follow nahi hoti, jaise necessity. Ab koi cheez humari bahut zyada zaruri hai, uske prices badh bhi jayenge to hum demand uski kam nahi kar payenge. Future prices ka outlook, prices pe koi fark nahi pada but demand badh rahi hai, kam ho rahi hai. Veblen goods, emergency and given goods. Let us study this one by one. नेसेसिटी क्या है, जो चीज़ जैसे हमारे लिए फूड, ग्रेन, सॉल्ट, मिल्क फॉर चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें हमें लेनी ही पड़ेंगी चाहे प्राइसेस ज़्यादा हों, हम इसकी डिमांड को कम नहीं कर सकते. तो यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, वो चीज़ यहाँ पे फॉल नहीं करेगी. तो नेसेसिटीज़ के टाइम पे वी कैन से दैट दीज आर दी एक्सेप्शंस ऑफ द डिमांड. ठीक है, ये हमारी ज़रूरत है. आउटलुक फॉर फ्यूचर प्राइसेस, अब लोगों को लगता है कि आगे प्राइसेस राइज होने वाले हैं तो हम अभी ज़्यादा खरीद लेते हैं, आगे प्राइसेस कम होने वाले हैं हम अभी कम खरीदते हैं, हम फ्यूचर पे छोड़ देते हैं. तो डिमांड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बट देर इज नो रीजन ऑफ द प्राइसेस. ठीक है, अभी प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा बट ओनली द एक्सपेक्टेशंस. व्हेन वी टॉक अबाउट वेबलिन गुड्स आर दोज गुड्स जो हमें सोशल डिस्टिंक्शन में करते हो, शो ऑफ जिसे आप करते हो, सोसाइटी से अलग दिखाते हो आपको, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. सो हियर समटाइम्स पीपल बाय सम प्रोडक्ट्स टू शो देयर स्टेटस इन द सोसाइटी. अपने आप को शो ऑफ करना है, दिखाना है हम बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है हमारे पास, राइट? तो ये तब खरीदेंगे जब उसका ज़्यादा प्राइस होगा, सस्ती होगी तो कोई भी खरीद लेगा. हाउ विल दे शो ऑफ देन? सो दे विल परचेज व्हेन देयर इज मोर प्राइस ऑफ इट. ज़्यादा महंगा होगा तो ही ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा महंगा नहीं होगा तो ज़्यादा नहीं खरीदेंगे. तो दैट मीन्स प्राइसेज राइजेज, डिमांड राइजेज फॉर दीज गुड्स.
तो हियर नेगेटिव रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स हियर लॉ डजंट फॉलो. इन केस ऑफ एमरजेंसी, फ्लड, फेमाइन और वॉर, पीपल नॉर्मल वे में बिहेव नहीं करेंगे. उन्हें चीज़ चाहिए तो चाहिए भाई, खाना चाहिए उनको, फ्लड आ गई खाना चाहिए, क्या करेंगे, कितना भी पैसा देना पड़ेगा वो देंगे. वॉर है, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, देना पड़ेगा वो देंगे, राइट. डिमांड कम नहीं होगी पैसा बढ़ने से, डिमांड उनकी होगी ही होगी, राइट. तो इस पॉइंट पे लॉ काम नहीं करेगा. गिफन गुड्स स्पेशल टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिसकी डिमांड जो है कम हो जाती है प्राइसेस बढ़ने के साथ और इंक्रीज होती है प्राइसेस कम होने के साथ. इसे आप एक तरह से ले सकते हो कि भाई जैसे ठेले का गुड है, इन्फीरियर गुड है, जब आपके पास आप जब उसके प्राइसेस महंगे हो गए तो वो इन्फीरियर गुड रहा ही नहीं. अगर वो प्राइसेस महंगे हुए दैट मीन्स वो तो अब उसकी क्वालिटी इंक्रीज हुई, वो अब कहाँ चला जाएगा, वो हमारा चला जाएगा शोरूम्स में, शॉप्स में चला जाएगा. तो उस वो जब वो प्राइसेस राइज हुए, उसकी क्वालिटी इंक्रीज हुई, तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी. अगर वो और सस्ता हो गया दैट मीन्स हम लोग इग्नोर भी तो करते ना कि नहीं यार सस्ता है बेकार ही होगा, हम लोग छोड़ देते हैं. तो सस्ता है दैट मीन्स विद द फॉल इन द प्राइसेस उसकी डिमांड कम हो जाती है. तो ये गिफन गुड्स हैं. डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड क्या है, जो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की हम लोग देखते हैं कि कितना विलिंग टू बाय है एट डिफरेंट प्राइसेस इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और मार्केट डिमांड क्या है कि टोटल जितने भी हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं वो कितना खरीदना चाह रहे हैं एक गुड को, कितने प्राइसेस पे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. इसका डिफरेंस इंडिविजुअल शेड्यूल और टेबल आप देख सकते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल देख सकते हैं. अब इसमें देखो प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, डिमांड फॉर ए 7652 डिक्रीज हो रही है प्राइस. अब डिमांड फॉर बी, भाई अगर सपोज आई टेक दी एग्जांपल ऑफ एन एप्पल, एप्पल 10 रुपये का था, ए 7 खरीदता था, बी 10 खरीदता था, सी 12 खरीदता था. जैसे ही एप्पल 20 रुपये का हुआ, ए की डिमांड कम होकर 6 हो गई, बी की भी कम हो गई, सी की भी कम हो गई. एप्पल और महंगा हुआ, डिमांड तीनों की और कम हुई, राइट. तो ये इंडिविजुअल डिमांड अलग अलग थी, ए की, बी की, सी की, और तीनों की जब कंबाइन करके हम लिख देंगे 7 + 10 + 12 = 29, 6 + 8 + 8 = 22, 5 + 6 + 4 = 15, 4 + 4 + 2 = 10. तो तीनों की कंबाइन करके जब लिख दी, ये हमारा क्या बन गया, पूरी होल मार्केट का बन गया टेबल. तो ये हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है. अब इन दोनों की कर्व हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग कर्व पर पर्टिकुलर हाउस होल्ड की कर्व बनाएंगे दैट विल बी इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और जब पूरी मार्केट की हम लोग एक साथ कर्व बनाएंगे वो हो जाएगी इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व. अब देखो ए की इंडिविजुअल डिमांड, देखो ए की डिमांड कर्व ये जा रही है, 2 पे वो 4 खरीद रहा है और 6 पे 2 खरीद रहा है, वहीं 3 पे ये इतना खरीद रहा है, 7 पे ये इतना खरीद रहा है. व्हेन वी सी दिस, तो मार्केट डिमांड क्या होगी, दोनों का एडिशन, दोनों का ऐड करके हम लोग मार्केट डिमांड बनाएंगे, राइट. देखो 4 क्वांटिटी खरीदी गई, कितने पे, 2 पे और 3 पे. 3 क्वांटिटी 4 रुपए पे, 2 क्वांटिटी और 3 क्वांटिटी खरीदी गई, 2 + 3 मतलब टोटल 5 खरीदी गई 4 रुपए पे. तो 4 रुपए पे कितनी खरीदी गई, 5. वहीं 2 रुपए पे कितनी खरीदी गई थी, 6 ए ने खरीदी थी, 7 बी ने खरीदी थी, दोनों का टोटल 13. तो 13 जो है 2 रुपए पे कितने 13 यूनिट्स जो है मार्केट डिमांड हो गई, क्योंकि दोनों का ऐड करके हम लोगों ने लिखा. सो दिस इज व्हाट मार्केट डिमांड इज, राइट. अभी जो प्रॉब्लम है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. यहाँ तक आप जो है थ्योरी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आइए. व्हाटएवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल.